फाइनेंशियली, मतलब फाइनेंशियली मेरे को एक चीज़ लेनी है और आई एम नॉट एबल टू बाय दैट। सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज आज ना सुबह खन्ना भाई ने कांड कर दिया। अब कांड तो होते रहते हैं लेकिन अभी वाला कांड थोड़ा सा दिल पे लग गया। सो जी दिस इज माई महंगे वाला ट्राईपॉड। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू था, अनयूज था भाई, आज तक घर से बाहर नहीं निकला था। बट जो मार्क्स देख रहे हो ना भाई, अब स्कूटी से गिर गया। हो गया भाई, दिन की शुरुआत ऐसी हो जाती है ना मेरी कई बार। क्या बोलो, आज आंटी जी ने चादर नहीं सुखा रखी तो आज यहाँ से निकल जाते हैं। क्या बात है, का कोई रीजन नहीं था लेकिन बजाना जरूरी था। सो आज ना मौसम थोड़ा सा अच्छा है। ट्राईपॉड अभी उठा लेता हूँ, स्कूटी अपनी लगा लेता हूँ और आज मैं निकला हूँ चप्पल में, क्योंकि जी मेरी जो पैंथर है ना वो जसकरण भाई के घर पे खड़ी है और ये चप्पल भी उनकी है। पैर लगा बहुत तेज। तो मेरे को क्या करना था कि भाई अपनी बाइक उठा के लेकर आना था, मेरी राइडिंग जैकेट भी वहीं पे ही है, मेरे शूज़ भी वहीं पे ही हैं, तो इसलिए मैं चप्पल में ही निकल गया। अब जब जब चप्पल दिखेगी ना मेरे को बार बार याद आता रहेगा कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है मेरे को भाई अपनी बाइक लेकर आना। सो बाइक लेने जाएंगे, गाड़ी थोड़ी ठंडी हो जाए और जी निकलते हैं यहाँ से। तो देखना कहाँ पे चढ़ा हुआ है। ओए क्या कर रहा है दोस्त, सुंदर कितना है भाई, मक्की घुस गई अंदर गाइस। तो जी घर से निकलते ही ना जंग शुरू हो जाती है। जंग होती है भाई मेरी और ट्रैफिक की। अब ट्रैफिक के अंदर जंग लड़ने के लिए हम फॉर्चुनर तो निकाल लेते हैं, अब भाई एक आधी हद तक आप निकल सकते हो भाई ट्रैफिक में से, लेकिन भाई ट्रैफिक में अटपना ही पड़ता है भाई सुबह सुबह। मतलब अब तो खैर दोपहर हो गई है, दोपहर में निकलो भाई, सुबह निकलो, किसी भी टाइम निकल जाओ यार, ट्रैफिक ने तो बैंड ही बजा रखे। मतलब कई बार मन करता है ऐसी जगह पर शिफ्ट हो जाओ, मतलब कुछ दिन के लिए यहाँ पे ना ट्रैफिक ना हो, क्योंकि भाई इस ट्रैफिक की भी ना बड़ी गंदी आदत हो रखी है। ट्रैफिक में भाई फॉर्चुनर अलग ही दिखती है, देख रहे हो आगे एक और जा रही है। सफारी देखो और फॉर्चुनर देखो कितनी वाइड लग रही है फॉर्चुनर। चलो जी फाइनली पहुंच चुके हैं ऑफिस के अंदर, गाड़ी कर देते हैं ऑफ, सारी विंडो, और अब ले लेते हैं अपना ट्राईपॉड और ये कार्ड अडैप्टर। तो भाई मैं ऑफिस आया, मैं कहा लड़के तू गया कहाँ है, ये कह रहा मालिक आ गया, मालिक आ गया, मालिक आ गया। देख रहे हो भाई लड़का गायब था बहुत देर से। कहा भाई क्या लेने गया भाई, बर्थडे गिफ्ट। क्या बात है जी, अरे रे 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 रे, देख रहा है यावर, मैं आपके लिए ला रहा था लाया। इतना बड़ा गिफ्ट नहीं चाहिए। चलो जी एक ब्रेसलेट यहाँ आ गया था, एक और आ गया। क्या बात है, लो भाई चांदी एक हाथ में आ गई। क्या बात है। तो जी ऑफिस में ना बच्चे, मतलब है हम सारे के सारे ना, तो बच्चे वाले आईडिया हमारे बहुत सारे पास हो जाते हैं। तो ये मेरा निकॉन का कैमरा है जो कि मेरे को निकॉन से मिला था, लेकिन भाई ये कैमरा ना मतलब इसकी बैटरी डेड हो गया, आई थिंक सॉफ्टवेयर का पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सो इसको ना हम पैक करके वापस भेज रहे हैं अभी, और हम इसको पैक कर रहे हैं एग्जॉस्ट के डब्बे में। देख रहे हो गाइस, मतलब हमारे पास ना बबल रैप का इतना सारा सामान पड़ा हुआ, इतना सारा, लेकिन नहीं जी नहीं, हम तो डीट है, हम तो खतरनाक तरीके से करेंगे। अब उसके बाद इसमें आ गया, यहाँ टेप लगेगा। हाँ हाँ, अब यहाँ साइड से निकल गया फिर। नहीं नहीं, यहाँ टेप लगाऊंगा और अच्छा। फिर इधर से पैक करके अंदर। अच्छा जी, एग्जॉस्ट के डब्बे में जाएगा। बाकी जी हमारी डिस्प्ले रेडी हो रही है। सो जैसे कि आप देख सकते हो इधर ना मतलब बहुत सारा सामान निकल चुका है जो कि लगेगा इधर, जैसे जैसे होगा वो भी आपको दिखाएंगे। अब ना दो हो रहा है कि पहले जाके मैं बाइक ले आऊँ या अभी के लिए मैं हार्ले का शूट कर लूँ। खोलना आपा, एक बहुत तगड़ी चीज़ मंगाई थी, आ जाओ बताना जी क्या हाल है। हाँ बॉस क्या हाल है, काम नहीं कर रहा हूँ। क्या कर रहा है गुनीत? मैं बताने लायक काम कर नहीं रहा। उधर चल रही है जी, अभी क्वांटिटी ऐड की जा रही है जो हमारा नया स्टॉक आया। तो एक ना तगड़ी आइटम मंगाई थी भाई हमने फ्लिपकार्ट से, दिखाते हैं जी, दिखाते हैं। ये फॉर्चुनर के लिए है पापा, लग रहा है रोमियो के लिए आई है भाई आइटम। म्यूजिक लगा दियो इधर। अनबॉक्सिंग बड़ी स्लो करते हैं। हाँ बल्ले, बस इसको यहीं रख दो। ये देखो जी ये एसी के वेंट पे लगेगा और ऐसे ऐसे करके घूमेगा। सही है ना, परफ्यूम का परफ्यूम। ये दो चार इसमें वो भी आ गए टिक्की इसकी। ये देखो भाई, ये होता पढ़े लिखे हो आप? नहीं हो ना, आपने जाने नहीं दिया वो कॉलेज। स्वर्ग नरक सर हिंदुस्तान वालों के लिए, सारे 33 करोड़ देवता भी हमारे लिए है क्या? नदी की बात देख रहा है, ये लगे जो असली चीज है उसको नहीं मानते। क्या है असली चीज? उसको किसी को रंग नहीं है, उसका रूप नहीं है। वो क्या है? उसका निराकार निर्गुण अवतार है। वो कौन है? वो नहीं, निरंकार, वो सब कुछ है, कुछ भी नहीं। एक ओंकार शंकर भाई, एक निरंकार, एक ओंकार, एक ओंकार, वो कुछ भी नहीं है और वही सब कुछ है। बात क्या लगी सर? ओए होए 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 होए, बॉडी अच्छी है इसकी। क्या बात, लेंस भी अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है 8 दिन पहले। अच्छा एक ही लेंस दे रहे हैं सर अभी के लिए आप? बहुत जी बहुत सुंदर।
सो जी अब ना मेरे पास दो ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर वन कि भाई मैं जाऊं इस चप्पल के अंदर और S1000RR लेकर आऊं यावर. ऑप्शन नंबर टू ये है कि हम हार्ले के ऊपर जाके शूट कर लेंगे, ठीक है ना. तो जो भी ऑप्शन होगा वो आपको बता देंगे जी. 69 बाहर बारिश हो रही है. नो राइड में जाना क्या करते हैं? छतरी लेके पीछे ना बैठ जाऊँ, अगर लेके चल रहे यार मेरी तो किस्मत ही झंडू हो गया भाई. मैं क्या करूँ, मेरे को ना इस बाइक को लेके राइड पे जाना है. इस बाइक को मतलब जिस दिन से बाइक आई ना हार्ली डेविडसन 48 भाई, मैं डेली सोचता हूँ भाई कि इस बाइक पे राइड पे जाऊँ. 1200cc का इसका इंजन है. बिन मौसम बरसात हो रही है, बिन मौसम मैं चप्पल पहन के आया था. पहले ये राइड करूँगा, इसके बाद अपनी आर आर लेकर आऊँगा. चप्पल में घर तो नहीं जाऊँगा आज मैं. क्या करूँ यार, तेज होगी बारिश, मौसम ही जेड ब्लैक हो गया गाइस. एक तो ना क्या है यार, मेरे को बाइक राइड करनी थी गाइस. एक चीज़ चेक करना, CBR का अलॉय व्हील कितना सुंदर लग रहा है. ये बाइक है भाई, जिस बंदे को पता ना इस बाइक के बारे में वो इस बाइक का है दीवाना भाई. बहुत ही ज़्यादा सुंदर बाइक है अपने पास. टच वुड. और बारिश आ रही है. कहाँ आ रही है वे? ठीक है भाई, ठीक है. क्या करें गाइस, अब कुछ तो करना ही है. बारिश रुकने का वेट कर लेना. मेन पता है यार, हम ना बाइकों को ना बहुत क्लीन रखते हैं यार, और बारिश में चला के ना बाइकें और ज़्यादा गंदी हो जाती हैं. सामान निकाला जा रहा है अभी भी भर भर के, फिर इसको डिस्प्ले पे लगाया जाएगा. ये हेडर चेक करना. ओह माय गॉड कितना सुंदर लग रहा है. सो गाइस अगर आपको कोई भी सामान, कोई भी एक्सेसरीज हमसे चाहिए हो, आपको सर्विस रिलेटेड भी सामान चाहिए हो, हम आपको अवेलेबल कराएंगे. बाबा कटर देना एक बार, ये हेडर खोल के दिखाऊं. एक ना ये नया नया बॉक्स आया है, खोल के आपको दिखा देते हैं. मक्खन की तरह कट गया ये तो. सो जी ये है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना की कौन सी बाइक है. लेकिन आपने तो बोल दिया की भूसा का है. बोल दिया सुंदर लग रहा है. अभी इधर से सारी बाइकें लाइन अप हैं, स्टार्ट हो रही हैं. गेट स्पीकर हमने खोल दिए. सारी बाइकें एक बार में स्टार्ट नहीं करेंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे. जी फाइनली अपन लोग निकल चुके हैं ऑफिस से. अभी ना भाई कसम से मैंने कैमरा ऑन करा, मैं यहाँ चढ़ा देता गाड़ी. सो जी अभी मैं हूँ धोला कुआं पे, और इतनी रेंज तो भाई अपनी फॉर्चुनर की बड़े कम टाइम में होती है भाई. 25 किलोमीटर की रेंज भाई. ये गाड़ी ना मेरी हफ्ते में एक बार डीजल मांगती है, और डीजल पता है कितना मांगती है. मतलब मैं दिखाता रहता हूँ कैमरे पे ना यार कि आज इतना डीजल लगा, इतना डीजल लगा. तो भाई मोटा मोटा 6-6.5 हज़ार रुपये, या मतलब 5-6 हज़ार के अराउंड का डीजल ये पीती है भाई गाड़ी मेरा हफ्ते का भाई, हफ्ते का. महंगी बातचीत है भाई फॉर्चुनर. एंड जी आपको अभी यहाँ पे कुछ कमी दिख रही होगी ना. तो जी ये आ चुकी है अपनी बुलबुल की बच्ची. इसको बुलबुल की बच्ची बुलवाते हैं यहाँ पे. ये शोर मचा रहा है अभी तो. एसी अपना एक नंबर पे चल रहा है, फिर भी इतना शोर मचा रहा है. इसकी ना स्पीड स्लो कर देता हूँ यहाँ से. आवाज़ बस थोड़ी सी कम करे, बाकी तो सब सही है. हाँ जी ये परफेक्ट है. आवाज़ भी नहीं आ रही और मनोरंजन भी पूरा है. मतलब एक साइड पे ये आ गया, एक साइड पे मैंने परफ्यूम लगा रखा है. बस जी बस सुंदर लग रहा है भाई, सुंदर लग रहा है. ये तो रुकी गया इसकी स्पीड. सो जी फुल का मैंने बटन दबा दिया है. अब यहाँ पे हमारा ढक्कन खुल चुका है. यार रात में भी इसकी कई बार क्वालिटी अच्छी आ जाती है. तो वहाँ पे डीजल का डाला खुल चुका है. ओके भैया कर दो. जी डल यहाँ पे हो गया काम शुरू. बाकी इस वाले पेट्रोल पंप पे ना, मतलब जो ऑनर है ना उसके पास ना कमैरो है. कमैरो और ये एक दो और ये तीन लाइट्स हैं गाइस अपनी फॉर्च्यूनर में. बाकी यार एक ना छोटी सी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा.
होपफुली अगले व्लॉग से या एक दो व्लॉग रुक के आपको ना क्वालिटी अलग लगेगी। दूसरी बात ये कि मैं एक सीरीज़ शुरू करना चाह रहा हूँ, मतलब मैंने एक चीज़ के पीछे ना भाग रहा था बहुत टाइम से फाइनेंशियली, मतलब फाइनेंशियली मेरे को एक चीज़ लेनी है और आई एम नॉट एबल टू बाय दैट। सॉरी गाइज, मेरे ना फ़ोन की ना वो स्पेस फुल हो गई थी, 1 TB है, लेकिन आज 1 TB भी भर गया भाई, 1 TB आईफोन भर दिया गाइज, देख रहे हो ना भाई को। सो ना अभी का सीन ये है कि मैं ना अभी एक कॉल पे था और हम ना कुछ ना आइडिया डिस्कस कर रहे थे, तो जी बहुत जल्दी ना आपको एक गुड न्यूज़ देता हूँ, बहुत जल्दी आपको क्वालिटी बूम दिखेगी। दूसरी बात ये कि भाई साहब एक ना मिशन मैं चालू करने वाला हूँ, एक मैं चीज़ लेना चाहता हूँ, एक बाइक लेना चाहता हूँ और वो फाइनेंशियली वो बाइक नहीं ले पा रहा, और उस बाइक को लेने के लिए मेरे को ना मेहनत करनी पड़ेगी। तो मतलब ना मैंने सोचा है जो ये टास्क होगा ना इसको सोशल मीडिया पे डालते हैं, और कौन सी बाइक लेनी है, कौन सी बाइक को लेने में कितना मेरे को मेहनत लग रही है, मतलब ये जो सारी की सारी है ना उस चीज़ को ना एक सीरीज़ बनाता हूँ। हर बाइक का रिलेट कर पाएगा भाई, हर बाइक का रिलेट कर पाएगा। डन डन डन, ठीक है भैया, ठीक है। 5600 क्या हो गया भाई इसको, अरे अंकल जी 5600 मतलब ये 146 कितना डीजल आ गया भाई इसमें।